हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हमारा आज का सेशन अगेन एम सी क्यूज एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स पे है हमने लास्ट क्लास में 200 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था और आज अगेन 50 एम सी क्यूज़ फर्दर डिस्कस करने वाले हैं तो ओवरऑल आज हमारा सेशन होगा 201 जीरो वन टू टू जीरो फिफ्टी क्वेश्चन नंबर तक और ये सारे क्वेश्चन ना हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत रिलिवेंट है इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा एंड पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर भी हो जाएगा तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन है इकोनॉमीज ऑफ स्केल सेट इन एज सुन एज डिमिनिशिंग मार्शल फिजिकल प्रोडक्टिविटीज एक्सपीरियंसड आर यूजली कंसिडर्ड टू बी अ फिनामिन ऑफ द लॉन्ग रन हमने पहले भी बताया था कि अगर हम इकोनॉमीज या डिस इकोनॉमीज की बात करें तो ये लॉन्ग रन से रिलेटेड होता है तो करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट इफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कव फॉर अ टिपिकल फॉर्म इन इन इंडस्ट्रीज डाउनवर्ड स्लूपिंग टू द राइट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सस्टेन दजम्प्शन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न परफेक्ट कॉम्पिटिशन सेट्रेस पेरीबर्स राइजिंग मार्शल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन अब कह रहे हैं कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कव किस तरीके से है डाउनवर्ड स्लूपिंग है टू द राइट तो इस केस में ना हम लोग किसका अजम्पन नहीं सस्टेन कर पाएंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन का बेसिकली अगर लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन मतलब एक ऐसा टाइम जब आपके सारे फैक्टर्स क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं एंड लॉन्ग रन कॉस्ट में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे वो कम से कम आता है नेक्स्ट मार्शल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आर इक्वल वेन मार्शल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का इक्वल होगा हमने बताया भी है हमने एम पी का रिलेशन बताया था ना तो हमने बताया था कि मैक्सिमम है तब एम क्या होगा ए पी के बराबर होगा तो वैसे ही कॉस्ट में होता है बस कॉस्ट में रिवर्स होगा मतलब अगर ये मिनिमम है तो उस केस में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमम नेक्स्ट थ्योरी ऑफ डिमांड एग्जाम इज द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर द वोन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज यूटिलिटी नेक्स्ट यूटिलिटी इज द कंसेप्ट विच इज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करेक्ट आंसर होगा बी सब्जेक्टिव अब बेसिकली सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि ये रिलेटिव टर्म है एंड यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन प्लेस टू प्लेस टाइम टू टाइम डिफर करता है इसका क्या कोई स्टैंडर्ड है नहीं हो सकता है आपके लिए फोर ग्लासेस ऑफ वाटर सफिशिएंट हो और मेरे लिए टू ग्लासेस ऑफ वाटर ही सफिशिएंट हो तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो ऑप्टेन होता है पर्सन टू पर्सन वो कभी भी उसका कोई आप स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते क्लियर तो ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है ना कि ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट चेंज इन यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम वन यूनिट चेंज इन कंजम्पन इज कॉल्ड जब भी एक यूनिट चेंज दैट इज एडिशनल चेंज की बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं मार्जिनल तो करेक्ट आंसर होगा सी मार्जिनल यूटिलिटी नेक्स्ट वेन टी यू इज मैक्सिमम एम यू इज अगर टी यू अपने मैक्सिमम पे है तो एम यू कहाँ होगा जीरो पे होगा अगेन यहाँ पे टी यू एमयू का रिलेशन देख लो हमने लास्ट क्लास में टीपीएम पी का रिलेशन बताया था यहाँ बता रहे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी अगर मार्जिनल यूटिलिटी जब तक पॉजिटिव है मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है प्लस इंक्रीज कर रहा है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव तो है बट डिमिनिश कर रहा है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगा बट डिमिनिशिंग रेट से फिर जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा तब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पे होगा एंड मार्जिनल यूटिलिटी जैसे ही नेगेटिव जाएगा टोटल यूटिलिटी फॉल करेगा तो ये ओवरऑल रिलेशन है जो कहीं नोट डाउन कर लेना नेक्स्ट व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव तब टोटल यूटिलिटी क्या होगा डिक्लाइंस होगा सैचुरेशन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर अब सैचुरेशन पॉइंट की बात करें तो ये वहां होता है जहां मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा जीरो करेक्ट आंसर होगा बी एम यू इज इक्वल टू जीरो अब बेसिकली अगर सैचुरेशन पॉइंट की बात करें तो सैचुरेशन पॉइंट मतलब क्या जहां पे जो आपको सर्विस मिल रही है वो अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुकी हो क्लियर तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्शल यूटिलिटी क्या होगा जीरो होगा नेक्स्ट मेजरेबल यूटिलिटी इज द पॉस्टुलेट ऑफ न्यू क्लासिकल स्कूल करेक्ट आंसर होगा ए ये लर्न कर लेना विच आर द फॉलोइंग इज गोसेंस फर्स्ट लॉ ये भी लर्न करने वाला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्शल यूटिलिटी नेक्स्ट इन केस ऑफ अ फ्री गुड द कंज्यूमर विल बी इन इक्लिब्रियम वेन अगर फ्री गुड है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो इक्लिब्रियम तब होगा जब उसकी मार्शल यूटिलिटी कहाँ आएगी जीरो पे अब इस क्वेश्चन में देखो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हमें इक्लिब्रियम पॉइंट निकालना होता है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम ये कंपेयर करते हैं कि जो प्राइस है प्रोडक्ट की दैट इज उसकी जो कॉस्ट है एंड उसकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है दैट इज यूटिलिटी इसको कंपेयर करते हैं नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होती है तब हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन है बट क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था फ्री गुड क्वेश्चन में ये चीज कह रहा है कि जो उसको गुड्स मिल रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला तो उस केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो के बराबर होगा चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड जहां बात किया रिलेटेड गुड की करेक्ट आंसर होगा क्रॉस डिमांड नेक्स्ट नेक्स्ट द प्राइस एंड क्वांटिटी रिलेशनशिप फॉर एन इंफीरियर गुड ज डायरेक्ट इनवर्स पॉजिटिव और इनडायरेक्ट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना नेक्स्ट इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स द क्वांटिटी डिमांडेड वेरीज इनवर्सली विथ प्राइस ऑफ अ गुड नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्डेनलिस्ट अप्रोच टू डिमांड एनालिसिस कार्डेनलिस्ट अप्रोच की बात करें तो मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस को हम कार्डेनलिस्ट अप्रोच टू डिमांड एनालिसिस बोलते हैं

अलोंग एन इन डिफरेंस कर्व मेक्स द सैटिस्फैक्शन अनऑल्टर्ड क्योंकि इन डिफरेंस कर्व का मतलब ये होता है कि किसी भी पॉइंट पे आपको लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन सेम मिलेगा नेक्स्ट इन द केस ऑफ एन इनडिफरेंस कर्व इन डिफरेंस कर्व केस में हम जो आप कैल्कुलेशन करते हो डू डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई डीवाई मतलब दो कमोडिटीज को हम यहाँ पे साथ में लेकर के चलते हैं और उससे लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन सेम आता है तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी an indifference curve to the राइट ऑफ अनदर represents combinations which आर indifferent preferable प्रेफरेबल superior सुपीरियर आप देखो अगर ये इंडिफरेंस कर्व है ये इंडिफरेंस कर्व है तो हम इस इंडिफरेंस कर्व को ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ज्यादा लेवल ऑफ सैटिस्फेक्शन होगा तो अगर राइट right साइड हमें ज़्यादा अगर हमें राइट साइड कॉम्बिनेशन शो कर रहा है तो हम उसी को प्रेफर करते हैं नेक्स्ट एज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू एन इन कर्व द एम आर एस ऑफ एक्स फॉर वाई क्या कह रहा है कि अगर हम लेफ्ट से मूव कर रहे हैं किधर राइट right की तरफ तो जो एम आर एस है वो हमेशा क्या करेगा डिक्रीज क्योंकि वैसे भी क्या होता है ना कि दोनों में से हम एक को चूज करते हैं और एक को एक के यूज को सैक्रिफाइस करते हैं दूसरे के यूज को इंक्रीज करने के लिए तो एम आर एस हमेशा क्या होगा डिक्रीज नेक्स्ट द स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये एम आर एस को ही रिप्रेजेंट करता है जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है मार्शल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को नेक्स्ट इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्रीज द एम आर एस बिटवीन गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में जीरो होता है नेक्स्ट पर्पजेस ऑफ लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग इन्क्लूड्स अभी हमेशा याद रखना कि जब भी लॉन्ग टर्म की बात करता है तो उसमें कुछ एक्सपेंशन की या कुछ न्यू यूनिट्स की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर होगा डी प्लानिंग ऑफ अ न्यू यूनिट और एक्सपेंशन ऑफ एक्जिस्टिंग यूनिट और बाकी तीनों किसके लिए है शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग के लिए सर्वे मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग ये किसको इंक्लूड करता है ओपिनियन सर्वे को भी एक्सपर्ट ओपिनियन को भी डेल्फी मेथड को भी करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द नेक्स्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड और कलेक्टिव ओपिनियन मेथड ओपिनियन सर्वे मेथड को हम लोग सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड भी कहते हैं और कलेक्टिव ओपिनियन मेथड भी कहते हैं अंडर डैश मेथड अ पैनल इज सेलेक्टेड टू गिव सजेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन हैंड डेल्फी मेथड नेक्स्ट कंज्यूमर इंटरव्यू मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग मे अंडरटेकन बाय कंप्लीट इनामेशन सैंपल सर्वे एंड यूज मेथड करेक्ट आंसर मेथ करोच दिमाजिटेडिसमांड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जब आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बेसिस पे ही न्यू प्रोडक्ट की डिमांड एस्टिमेट करते हो तो उसको कहते हैं इवोल्यूशनरी अप्रोच ये सब क्वेश्चन लर्न करने वाले हैं इन डैश अप्रोच ंज्यूमर्स रिएक्शन ऑन द न्यू प्रोडक्ट आर फाउंड आउट इन डायरेक्टली विद्प ऑफ स्पेशलाइज्ड डीलर विकेरियस अप्रोच नेक्स्ट इन डैश अप्रोच ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रोथ ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट द डिमांड फॉर द न्यू प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड अगर इस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट के बेसिस पे डिमांड क्रिएट होगी तो उसको कहेंगे ग्रोथ कर्व अप्रोच मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग कौन कौन से मेथड को रिलेशन एंड रिग्रेशन अब ये सब ना बेसिकली डिमांड फोरकास्टिंग चैप्टर के हैं और ये सब लर्न करने वाले क्वेश्चन है नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर गुड डिमांड फोरकास्टिंग इंक्लूड्स प्लॉसिबिलिटी सिंप्लिसिटी इकोनॉमिक करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द पव डैश इज अ बेस ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग मार्केटिंग प्लानिंग के लिए बेस बेसिकली कौन बनता है डिमांड फोरकास्टिंग नेक्स्ट ग्रोथ कर्व अप्रोच इज यूज फॉर फोरकास्टिंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स न्यू ओल्ड एग्जिस्टिंग और बोथ ओल्ड एंड एग्जिस्टिंग ग्रोथ कर्व बेसिकली क्या बताता है ऊपर बताया था कि ग्रोथ कर्व अप्रोच बेसिकली जो स्टैब्लिश प्रोडक्ट होते हैं उसके बेसिस पे जब हम न्यू प्रोडक्ट्स को की डिमांड को फोरकास्ट करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा ए न्यू डिमांड नेक्स्ट विजो द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ न्यू मेथड्स ट्रेंड प्रोजेक्शन सब्सटीट्यूट अप्रोच एवोल्यूशनरी अप्रोच सेल्स एक्सपीरियंस अप्रोच ट्रेंड प्रोजेक्शन ये बेसिकली डिमांड फोरकास्टिंग का मेथड नहीं है नेक्स्ट आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाई क्यू टू माइनस क्यू वन ये बेसिकली किसको एक तरह से डिनोट कर रहा है चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वान्टिटी और ये फॉर्मूला किसका है मार्जिनल रेवेन्यू का तो करेक्ट आंसर होगा सी मार्जिनल रेवेन्यू नेक्स्ट मेजर द डिफरेंस बिटवीन द न्यू टोटल रेवेन्यू एंड एग्जिस्टिंग टोटल रेवेन्यू न्यू और एग्जिस्टिंग टोटल रेवेन्यू के बीच में जब कंपैरिजन करें तो उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल रेवेन्यू नेक्स्ट डैश मीन्स द टोटल रिसीज फ्रॉम सेल्स डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ये किसका फॉर्मूला था एवरेज रेवेन्यू का सो लॉन्ग एज एवरेज रेवेन्यू इज फॉलिंग मार्शल रेवेन्यू विल बी लेस देन एवरेज रेवेन्यू का मार्शल रेवेन्यू क्या होगा लेस देन एवरेज रेवेन्यू कब तक जब तक एवरेज रेवेन्यू फॉल करेगा और ये रिलेशन हमने लास्ट क्लास में बताया भी था बस वही है कि हमने जो रिलेशन बताया था वो एपी और एमपी के बीच में बताया था वही सेम रिलेशन टी आर और एम आर के बीच भी एग्जिस्ट करता है नेक्स्ट वेर एम आर इज ने टी आर क्या होगा फॉल करेगा टोटल रेवेन्यू विल बी मैक्सिमम एट द पॉइंट जहां मार्जिनल रेवेन्यू जहां मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा जीरो नेक्स्ट डैश इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू इेस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन प्राइस और ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मैनेजरल डिसीजन ऑन रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू मार्शल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू यहाँ क्या कह रहा है कि टोटल रेवेन्यू में जो चेंज है भले प्राइस में कुछ भी चेंज हो रहा हो तो इसको हम क्या कहेंगे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू डैश नेक्स्ट इन डैश प्राइजिंग फिक्स कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फिक्स कॉस्ट हम कहा एक्सक्लूड करते हैं स्कीमिंग प्राइजिंग में गोइंग रेट प्राइजिंग एडमिनिस्ट्रेट प्राइजिंग और मार्शल कॉस्ट प्राइजिंग मार्शल कॉस्ट प्राइजिंग में हम सिर्फ एडिशनल पोर्शन को ही इंक्लूड करते हैं फिक्सिंग हाई प्राइस ट्यूरिंग द इंट्रोडक्शन इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्कीमिंग नेक्स्ट द फोम चार्जेस प्राइज इन ट्यून विद द इंडस्ट्रीज प्राइस इस प्रोसेस को हम कहते हैं गोइंग रेट प्राइसिंग नेक्स्ट मैथड ऑफ चार्जिंग लो प्राइस इनिशियली इसको हम कहते हैं पेनिट्रेटिंग प्राइस एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्राइजिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और डिमांड तो ऐसी प्राइजिंग को हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेड प्राइजिंग अब हम सब ने देखा है कि हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि प्राइजिंग से रिलेटेड होते हैं तो वो टॉपिक्स भी हमने यहीं पे इंक्लूड कर लिए हैं वो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है तो जितने भी प्राइजिंग मेथड है वो भी आपको साथ ही साथ क्लियर हो जाएंगे अब हम उम्मीद करते हैं कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा जिन क्वेश्चन को हमने स्किप किया है उन क्वेश्चन के आंसर आप जरूर से करना और एंड अगर आपको आज का क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए और आज की क्लास में एक इनडिफरेंस कर्व ये जो टॉपिक था ना इस पर हम बहुत जल्दी एक सेशन अपलोड कर देंगे सो दैट डिटेल में ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो पाए अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग नेक्स्ट फिफ्टी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे आज के लिए बस इतना थैंक यू सो मच